गरीब तरक्की में शिरकत दार तो जरूर होता मगर हिस्सेदार नहीं होता है। मेहनत कश गरीब के पास हुनर तो बहुत होता है मगर उससे चंद लोग ही फायदा उठाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बतूल जहरा और आप देख रहे हैं कश्मीर अहद। NRLM उम्मीद जम्मू और कश्मीर के लगभग बहुत सारे ब्लॉक्स में चल रहा है। उम्मीद स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर की ख्वातीनों को खुद मुख्तार बनाने की गवर्नमेंट पूरी और पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद से लाखों औरतों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी है। उम्मीद एक ऐसी स्कीम है जो हर औरत को उसके पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत देती है, ताकत देती है। इस उम्मीद से हमें ये फायदा मिला कि पहले हमें RF मिला और उसके बाद CLF मिला 40,000। हम इधर यहाँ पे 20 से 30 औरतें ये काम कर रही हैं। ये सब हमें उम्मीद से जुड़कर ये फायदा मिला। इस उम्मीद से फायदा उठाएं, जैसे कि हम फायदा उठा रहे हैं। हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और हो रहे हैं। ये काम बहुत अच्छा है और इस काम को अंजाम देते वक्त किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये काम किसी भी जगह बैठ के किया जा सकता है। इस काम को ख्वातीन बहुत पसंद करती हैं, जिसकी वजह से वो मर्दों के रुपयों की मोहताज भी नहीं रहती हैं, जबकि वो मर्द का हाथ बटा सकती हैं। ख्वातीन अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं, अपने लिए कपड़े ला सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। बहुत सी ख्वातीन NRLM के तहत गाय बकरियां हासिल की हैं, जिसकी वजह से वो अपना रोज़गार कमा सकती हैं। जो भी हुनर ख्वातीन को आता है NRLM के तहत उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि हुनरमंद को इस स्कीम के ज़ुमरे में लाया जा सके। गाँव की ख्वातीन जो शाल बाफी करती हैं उनको मार्केट गाँव में दस्तयाब नहीं रहता है, जिसकी वजह से उन शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि गाँव में भी इसी तरह ख्वातीन को मार्केट मिले जिस तरह शहरों में उनको मिलता है, और अगर ऐसा होगा तो शायद ख्वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम के तहत जो गाँव में रहती है। ये हमारा मटेरियल है, जैसे कि हम पहले ये लाते हैं वाइट कलर का कपड़ा, वाइट ऐसे थान होता है, थान फिर काटते हैं एक एक शॉल में। ये शॉल इतनी बड़ी होती है, एक एक शॉल इतनी बड़ी होती है। फिर हम इसको डिफरेंट कलर देते हैं, पहले ये वाइट कलर होता है, फिर हम इसको ये डिफरेंट कलर चढ़वाते हैं, फिर ये धागे लाते हैं, ये मटेरियल है इसका, ये धागे होते हैं, फिर ये छाप डालते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है, फिर हम इसको बेचते हैं और श्रीनगर में वहाँ जाके इसकी मार्केटिंग होती है।